सो फ्रेंड्स बेसिकली मेरे पीछे रास्ता देखिए, ये थोड़ा माउंटेनियस है तो चढ़ना पड़ता है। आई थिंक इसीलिए ये लोग सिटी लूप बस दे रहे हैं कि घूमने में आसानी हो। बट या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आई रियली विश कि आप लोग आ पाए और इसका मज़ा ले पाए, एंड आई रियली विश सीरियसली। लेकिन वो कहते हैं ना, बहुत बैरियर्स होते हैं, वीज़ा का प्रॉब्लम, इसका चक्कर उसका चक्कर। सो आई एम रियली सॉरी। ऑल आई कैन डू कि मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो या अभी हम जा रहे हैं, ये जो लाइन से ये देखो सिटी बस आ गया है। कहाँ चला गया? ओरा लेने आ गया हमें। लेकिन ये वाले में मैं नहीं बैठूंगी क्योंकि अभी रास्ते में बहुत कुछ है देखने के लिए। यहाँ पे इंग्लिश मैनस हाउस है, ब्रिटिश हाउस, अमेरिकन हाउस और म्यूज़ियम, आर्ट म्यूज़ियम, बहुत कुछ है। सो लेकिन हर घर में एंट्री फीस लगती है। सो मैं चुन चुन के वही जगह जाऊँगी जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ मेरा पैसा वसूल होगा, ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूँ। क्योंकि हर जगह फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अगर फ़ोटोग्राफी अलाउड ना तो करो जाए ना जगह जाए तो फ़ायदा क्या है। चलिए ढूंढते हैं कहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड है। ओके फ्रेंड्स, सो ये है बेसिकली मैप और इस रस्ते में है कोबेट्री कार्ट म्यूज़ियम, ये है इंग्लिश हाउस, ये है योकान नागाया, ये आई थिंक सो कोई वैसी है थी, ये है बेंस हाउस, ये है फॉर्मर चाइनीज़ कॉन्सुलेट, कितानो फॉरेनर्स एसोसिएशन जहाँ पे पुराने ज़माने में फॉरेनर्स आके क्लबिंग करते थे, और यामाते बानबान। अब मैं सोच रही हूँ मैं जाऊँ तो कहाँ पे जाऊँ, पर मुझे लगता है मैं इंग्लिश हाउस जाऊँगी क्योंकि मुझे ब्रिटिश हाउसेस बहुत पसंद है। चलिए। ओके गाइस, सो बेसिकली ये रास्ता ऐसा दिखता है और ये है वो आर्ट म्यूज़ियम जिसमें हम जा नहीं रहे, लेकिन ये बहुत पॉपुलर है। हम जा रहे हैं ब्रिटिश हाउस। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये ना डिज्नीलैंड और यूनिवर्सल स्टूडियोज में भी ना ऐसा, मतलब अमेरिका ब्रिटेन को कॉपी करके करा है। बहुत ही ड्रीमी लगता है, एज इफ ग्रीनलैंड। शर्लक होम्स कोबे, यहाँ तो मुझे जाना ही चाहिए, यहाँ तो मैं जाए बगैर रह नहीं सकती। ये देखो टिकट प्राइसेस ये है, शर्लक होम्स एंड कोबे बुकमार्क। अच्छा, शर्लक होम्स का सारे मर्चेंडाइज भी है यहाँ पे, तो मुझे तो वैसे भी, ओ माय गॉड, ये देखो कितना सुंदर घर है ये। वैसे तो मुझे ब्रिटिश लोगों से बहुत वो था क्योंकि उन लोगों ने हमारे देश पर राज किया, लेकिन ऐसी जगह आओ ना तो बड़ा अच्छा लगता है। पुराने ज़माने के फ्रेंड्स, ये मेरे पीछे जैगुआर, सबसे पहला मॉडल, पता नहीं 1983 का कुछ का होगा, चलिए देखते हैं। इतना मस्त था, कुछ कहने के हद ही नहीं। मैं भी दिख रही हूँ, ये शर्लक होम्स का। ओ ये देखो शर्लक होम्स का जैकेट, ये सारे, ये देखो ये सारे फोटो खिंचवा रहे हैं शर्लक होम्स का कोट पहन के। और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। तो फ्रेंड्स लेट्स गो, अंदर चल के देखते हैं कैसा है। वाओ, इस घर का नाम रखा गया है किंग ऑफ किंग्स। सो बेसिकली इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो एक इंग्लिश बार है, और ये सैटरडे संडेज और वीकेंड्स पे या फिर पब्लिक हॉलीडे पे ऑपरेटिंग होता है। तो अगर आप फ्रेंड्स के साथ कोई गेट टुगेदर, या फिर अगर आप ओसाका सिटी में आके, कोबे सिटी में आके एक पॉश टाइप, एक अच्छा मेमोरी रखना चाहते हैं, तो आई थिंक आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्लेस, बहुत ही अच्छा है। इसका इंटीरियर टोटली ब्रिटिश है, इंग्लिश है। एज यू कैन सी फायर प्लेस भी है यहाँ पे, बट फायर प्लेस में आग नहीं लगती बिकॉज जापान में आग लगने की
बहुत मतलब सब कुछ लकड़ी का होता है, सो ऑब्वियसली ये अभी इस्तेमाल नहीं होता, बट द फायरप्लेस इज़ देयर, द सेटअप इज़ देयर, अगर आप फोटो लेना चाहें तो बेस्ट है। और बाकी अगर आप प्राइवेट पार्टीज़ करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर एक डेट पे जाना चाहते हैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ, जिसको बहुत ही मेमोरेबल कोई स्पेशल ओकेशन जैसे वो बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी, तो आप ये जगह ज़रूर आइए, बिकॉज दिस विल गिव यू एम्बियंस जैसे कि मतलब सच में इट विल बी वेरी मेमोरेबल, तो ज़रूर आना। और ये है बेसिकली बगल वाला रूम में जो बार है, और ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा कोई ड्रिंक नहीं होगा, ऐसा कोई अल्कोहल नहीं होगा जो यहाँ पे नहीं मिलता होगा। और फ्रेंड्स आप इधर उधर देखेंगे कि जहाज का छोटे छोटे शो पीसेस काफ़ी रखे हैं, ऑब्वियसली क्योंकि ये मर्चेंट्स टाउन है। मुझे ना बहुत वो हो रहा है, आई एम गेटिंग एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड। आई रियली विश कि आप यहाँ पे आके देख सकते थे, ये इतना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं सच में ब्रिटेन आ गई, लंदन आ गई हूँ। और दोस्तों आपको इस प्लेस का फील देने के लिए ही मैंने ये बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया है, सो दैट आपको एक फील आए कि ये जस्ट एक प्रॉपर्टी नहीं है, जस्ट नॉट अ प्रॉपर्टी, ये सच में एक बहुत ही एंजॉयबल जगह है अगर आप आना चाहे तो। और फ्रेंड्स बगल में एक छोटा सा रूम भी था जिसको इन लोगों ने बार बना दिया है, और ये भी ऑपरेट करता है, एंड इट लुक्स लाइक अ यू नो क्वाइट प्लेस, लाइब्रेरी टाइप लगता है, बट आई थिंक इट्स कनेक्टेड, सो पूरा ग्राउंड फ्लोर ही इंग्लिश बार है। सो फ्रेंड्स दिस इज़ अ शो पीस, इट्स कॉल्ड क्वीन ऑफ हार्ट्स, और अभी हम चलेंगे ऊपर विदाउट डिले क्योंकि ही इज़ अपस्टेयर्स वेटिंग फॉर यू, सो चलना चाहिए। और कौन वेट कर रहा है? Obviously Sherlock Holmes. और जिनको पता नहीं है Sherlock Holmes कौन है, Sherlock Holmes एक फिक्शनल प्राइवेट डिटेक्टिव है जो कि ब्रिटिश ऑथर जो है, ब्रिटिश राइटर सर आर्थर कॉनन डॉयल, उन्होंने लिखा था। और Sherlock Holmes की तरह पॉपुलैरिटी आज तक की हिस्ट्री में किसी भी डिटेक्टिव को नहीं मिला है। और फ्रेंड्स उनका फेमस एड्रेस है जहाँ पे Sherlock Holmes रहते थे, वो है 221 बी बेकर स्ट्रीट, लंदन। और जैसे कि आप देख सकते हैं कंसल्टिंग डिटेक्टिव Sherlock Holmes, और यहाँ पे जो भी डिस्प्ले में है ये सारे चीज़ ऑब्वियसली Sherlock Holmes इस्तेमाल करते थे। तो फ्रेंड्स बेसिकली हैट है जो तब की फैशन थी, एंड मेजरिंग टेप जो एक डिटेक्टिव को ज़रूरत होगी, एंड Sherlock Holmes was known with a man with a pipe, तो वो पाइप बहुत पीते थे, ये इनका कॉम्बैट वेपन है, पिस्टल, घड़ी, और वो स्कॉटलैंड यार्ड मतलब ब्रिटिश पुलिस के लिए भी केसेस सॉल्व करते थे, तो हथकड़ी तो है ही, दूरबीन, और इसको क्या बोलते हैं, इट्स अ विप, और पीते थे बहुत, उनके वाइसेस बहुत थे, नशा बहुत करते थे। सो फ्रेंड्स बेसिकली ये फर्स्ट फ्लोर के साथ इन्होंने ऐसा किया कि Sherlock Holmes का जो एडवेंचर्स ऑफ Sherlock Holmes था, जो एपिसोड्स थे, वहाँ से सीन्स लेके इन लोगों ने रिक्रिएट किया है वो सीन्स। और क्योंकि ये ब्रिटिश सेटअप है तो इन लोगों के लिए ये सीन्स रिक्रिएट करना बहुत ही आसान था। सो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है बेसिकली वो सीन्स जो इन लोगों ने रिक्रिएट किया है फ्रॉम द एडवेंचर्स ऑफ Sherlock Holmes, और ये है उनका फेमस दरवाज़ा 221 बी बेकर स्ट्रीट का जो लंदन का है, एंड एग्जैक्टली जैसे इनका ऑथर ने डिस्क्राइब किया है। वो देखो Sherlock Holmes कहाँ से झांक रहे हैं, देखा, ये था डिटेक्टिव, कहीं से भी झांक के देखते थे। फ्रेंड्स वो देखिए खिड़की से कोई झांक रहा है, इट कुड बी Sherlock Holmes। और ये है बाथरूम ब्रिटिश हाउस का, और यहाँ पे भी देखिए एम्बियंस ब्रिटिश बार का ही क्रिएट कर रखा है। और यहाँ का खास बात जो मुझे लगा वो है चेकर्ड फ्लोर्स और चेकर्ड टाइल्स, जो कि बहुत ही एक यू नो बैक टू होम फीलिंग देती है।
सो फ्रेंड्स बेसिकली ये है शर्लक होम्स का बेडरूम और यहाँ पे जितने भी फैब्रिक दिख रहा है, जितना भी डिज़ाइनिंग दिख रहा है, वो डिटो वैसा है जैसा इनके ऑथर ने लिखा था या फिर एपिसोड्स में मैंने देखा है. सो इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग कि ब्रिटिश हाउस को इन लोगों ने ऐसे इंटीरियर्स देख के शर्लक होम्स का सीन रिक्रिएट किया है. शर्लक होम्स वायलिन बहुत अच्छा बजाते थे और इनका जो राइटर है सर आर्थर कोनान डॉयल, इन्होंने फर्स्ट सेट ऑफ स्टोरीज लिखा था इनका 1887 से 1893 तक. ठीक है, तो फर्स्ट सेट ऑफ स्टोरीज इतना पॉपुलर हुआ था कि एक्चुअली ब्रिटेन में लोग शर्लक होम्स को एक रियल लाइफ कैरेक्टर समझने लगे थे. और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब उनको हिस्ट्री के नॉवेल्स लिखना चाहिए, तो हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखने के लिए उन्होंने मतलब लास्ट किताब जो लिखी थी 1893 में, उसमें शर्लक होम्स को मार दिया गया. अब शर्लक होम्स को मार दिया गया तो लंडनर्स को बहुत शॉक लगी, बिकॉज जैसे बोला ना इनका पॉपुलैरिटी इतना था कि वो लोग पूरा घुस गए थे कैरेक्टर में और उन लोगों ने सोचा था कि ऐसा डिटेक्टिव है सच में. सो दे यूज टू वेयर ब्लैक बैंड्स टू रेजिस्ट टू प्रोटेस्ट कि शर्लक होम्स कैसे मर सकते थे. और फिर बहुत 8 सालों तक ऑथर को बहुत रेजिस्ट करना पड़ा लोगों के डिमांड्स, लोगों के बातें. यू कैन अंडरस्टैंड एक फ़ैन फॉलोइंग जब होता है तो फैंस क्या क्या कर सकते हैं. और फिर अल्टीमेटली 1903 में उन्होंने उनको फिर से लिखना चालू किया और फिर एक सीन क्रिएट किया जिसमें उन्होंने बताया गया कि शर्लक होम्स वापस आ जाते हैं और अपने फ्रेंड डॉक्टर वॉटसन को बोलते हैं कि मैं मरा नहीं था, मैं अपना डेथ फेक किया था ताकि मैं उसको पकड़ सकूं. सो अल्टीमेटली इट स्टार्टेड और फिर 1927 तक उन्होंने लगातार किताबें लिखे हैं, लगातार एपिसोड्स लिखे हैं जो कि बहुत पॉपुलर है. और ये है वॉटसन, ना ये वाइट वाला नहीं है, ये है वॉटसन और ये है शर्लक होम्स. वॉटसन इनके असिस्टेंट थे और वॉटसन एक फिजिशियन थे, डॉक्टर. और जैसे कि आप देख सकते हैं शर्लक होम्स खुद तो बहुत ही टिप टॉप रहते थे लेकिन उनका घर हमेशा ऐसे बिखरा पड़ा रहता था. उनके घर में जितने भी कागज़ आते थे उनको फेंकने की कोई अनुमति नहीं थी, तो उनके जो लैंड लेडी थी वो बहुत परेशान हो जाती थी. साफ सफाई करती थी, कई एपिसोड्स में मैंने देखा है साफ सफाई करके रखा है, लेकिन इसको अचानक से कोई केस मिल गया तो ये आके सबको चुलट फुलट कर देते थे. इनको ड्रग्स लेने की बहुत बुरी आदत थी जो इनका फिजिशियन फ्रेंड डॉक्टर वॉटसन बिल्कुल पसंद नहीं करते थे. लेकिन जब इनको केस सॉल्व करना होता था और कुछ चीज़ों में ये उलझ गए कि वो सॉल्व नहीं हो रहा था, तो ये अपने आप को बिल्कुल भी खाना अलाउ नहीं करते थे, ये पूरा स्टार्विंग मोड पे चले जाते थे. डॉक्टर वॉटसन ने कई बार इनको कहा है कई सीन्स में कि आप खाना खा लो, लेकिन ये जब तक केस सॉल्व नहीं कर पाते थे वो खाना नहीं खाते थे. वो बोलते थे कि मुझे अपने सेल्स को, अपने ग्रे सेल्स को जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस को, वो पावर देने के लिए मैं खाना नहीं खा सकता, उसको डाइवर्ट नहीं कर सकता. और पाइप तो पीते ही थे, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, ड्रग्स लेते थे, मॉर्फिन लेते थे. ड्रग्स और मॉर्फिन उस ज़माने में एक इंग्लैंड में जायज़ थी, अब तो ये नाजायज़ है बट इट वॉज़ जायज़. सो आई थिंक इट वॉज़ लीगल ड्रग इन इंग्लैंड दैट टाइम. और आई मीन शर्लक होम्स जैसा कैरेक्टर, एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर, और इसका जो एपिसोड्स निकले थे और जो उन्होंने प्ले किया है, जिस भी एक्टर ने उनको प्ले किया है, इट्स सो आई मीन कैरेक्टर को एकदम निखार के रखा है. सो इट्स वेरी वेरी आई मीन आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन, आप समझ लीजिए कि कैसा थे. सो फ्रेंड्स, मैं शर्लक होम्स और उनके असिस्टेंट के बीच में हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे आके. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन लोगों ने शर्लक होम्स के जितने भी क्या बोले एपिसोड्स है या फिर जितने भी किताब है उनसे इंस्पायर होके ये ब्रिटिश हाउस को ऐसे शर्लक होम्स का बनाया है. सो इट वॉज़ अ वेरी 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 गुड सरप्राइज़ फॉर मी, बट इट्स वर्थ अ सरप्राइज़. आई एम रियली हैप्पी, लाइक आज का दिन तो मेरे लिए बेस्ट है क्योंकि मैं अपने फेवरेट कैरेक्टर्स, ठीक है, जितने भी डिटेक्टिव स्टोरीज है, डिटेक्टिव कैरेक्टर्स है, डिटेक्टिव्स है, वो मेरे फेवरेट डिटेक्टिव्स है. चाहे वो मैंने शर्लक होम्स मूवीज, शर्लक होम्स एपिसोड्स, हर्क्यूल पोआरो
पता नहीं कि सौ सौ बार हजार हजार बार देख चुकी हूँ फिर भी मेरा मन नहीं भरता. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी लाइक इट्स अ वंडरफुल सरप्राइज फॉर मी एंड आई होप कि आप भी आए कोबे और देखें इसको. तो चलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं. ख़त्म नहीं करते हैं बाबा, पूरा कोबे दिखाऊंगी. बस ये इंग्लिश हाउस से बाहर चलते हैं क्योंकि पूरा कोबे घूमना है और थोड़ा सा तो भूख लगी है. चलिए चलते हैं. और फ्रेंड्स यहाँ पे ना इंग्लिश हाउस का स्टैम्प है और स्टैम्प कलेक्शन जापानीज बच्चों के लिए बहुत ही एक अच्छा हॉबी है. सो स्टैम्प रखा है, हम भी एक स्टैम्प लेके जाएंगे. पेपर लेके तो लिखने ही हैं तो हम एक रिसीट के ऊपर, स्टारबक्स के रिसीट के ऊपर हम स्टैम्प लगा के जाएंगे. ये अभी हम शर्लक होम्स के घर के गार्डन में प्रवेश कर रहे हैं. हाँ, ये जो फूल खिले हुए हैं ना, इसकी इतनी मस्त खुशबू आ रही है, ऊपर से बारिश थोड़ा थोड़ा. ओ माय गॉड, दिस गार्डन इज़ फुल ऑफ फ्रेश फ्लावर्स. वाव, लुक एट दिस हाउस, दिस इज़ शर्लक होम्स हाउस. मतलब हाउस नहीं, ये लोग बनाया है शर्लक होम्स के नाम पे. इट्स अ ब्रिटिश हाउस, इंग्लिश हाउस बोलते हैं इसको. बेकर स्ट्रीट. आवाज़ आ रही है आपको? ये देखो, अभी बारिश होना था इसको. ये जब मोटे मोटे बारिश के बूंदे गिरते हैं ना, तब समझो कि ज़्यादा देर नहीं रुकने वाले. और ये है वे आउट रीजेंट्स पार्क, बेकर स्ट्रीट. इतना रोमांटिक है, कुछ कहने की हद ही नहीं है. फिलहाल इस मोमेंट में जी रही हूँ. आई एम सो हैप्पी आई हैव कम टू शर्लक होम्स होम. ये ऐसे कोइंसिडेंस हुआ था मेरे साथ आज. सो फ्रेंड्स, बारिश रुक गई है और यहाँ से निकलते ही बस स्टॉप है. फिर हम चलेंगे हार्बर लैंड, जो कि कोबे का पोर्ट है, जो एक्चुअल पोर्ट है, वहाँ पे जाएंगे. वो बहुत ही रोमांटिक प्लेस है, परफेक्ट फॉर एन इवनिंग डेट. मतलब पूरा कोबे टाउन ही मुझे डेट के लिए परफेक्ट लग रहा है. सो वहाँ पे चलेंगे और आपको दिखाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि कैसा है कोबे का पोर्ट. एंड आई एम जस्ट लविंग टुडे. जैसे कि आपको पहले भी बताया था, बने रहिए मेरे चैनल के साथ क्योंकि मैं पूरा कोबे सिटी का एक सीरीज़ बना रही हूँ. सो या अभी भी 3 सीरीज़ आने वाले हैं. सो देखते रहिए और सी यू नेक्स्ट वीक. बाय बाय.